संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हरियाणा और पंजाब के किसानों ने पंचकुला में 3 दिवसीय धरने का महापड़ाव जो है वो कर रहे हैं। इस महापड़ाव का आज तीसरा और आखिरी दिन है। महापड़ाव के दूसरे दिन किसान नेता राकेश टिकैत भी पंचकुला में पहुंचे थे। बता दें कि किसान आज हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को मांग पत्र सौंपने वाले हैं। ऐसे में पंचकुला में किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए चंडीगढ़ सीमा पर पुलिस और सैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है, क्योंकि आज महापड़ाव के तीसरे दिन भी हजारों किसान डटे हुए हैं और किसानों का जामवाड़ा लगातार बढ़ रहा है। बता दें कि मोहाली में करीब 10,000 व पंचकुला में 2,000 किसान जो है वो पहुंच चुके हैं। इस महापड़ाव में 17 किसान यूनियन और 10 ट्रेड यूनियन शामिल हैं, जो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।